मणिपुर से तुलना करके बदनाम करने का प्रयास हो रहा है। कुछ घटनाएं हुई है, हर राज्य में घटनाएं हो रही है, पुलिस और क्या करेगी, तो करेगी एक्शन करने में। हिंदुस्तान भर के राज्यों में हम सबसे आगे हैं एक्शन करने के अंदर। घटनाएं कौन सा राज्य है देश के अंदर जहाँ घटना नहीं होती है। ये माहौल जो राजस्थान बनाया जा रहा है जानबूझ करके, जबकि राजस्थान बहुत ही शांतिप्रिय प्रदेश है, मणिपुर से तुलना करके बदनाम करने का प्रयास हो रहा है। कुछ घटनाएं हुई है, हर राज्य में घटनाएं हो रही है। इनको मध्य प्रदेश की घटना नहीं दिखती है। बीजेपी का एमएलए, पूर्व एमएलए का बेटा उसमें शामिल है। जोधपुर में 2-3 लड़के थे, एबीवीपी के लड़के थे, उन्होंने उस बच्ची का रेप कर दिया, गैंग रेप कर दिया, उसको इनकी जिक्र नहीं करेंगे। और बजरंग सेना बनी हुई है अलवर के अंदर, उसके कार्यकर्ता ने रेप किया, उसकी चर्चा नहीं करेंगे। जो राजस्थान पुलिस ने काम करती है, जिस प्रकार 2-2 घंटे में 4-4 घंटे में अरेस्ट करती है मुजरिमों को, ये कोई कम बात नहीं है। कल भीलवाड़ा की घटना थी, चारों पांचों मुजरिम को रात को गिरफ्तार कर लिया, तो पुलिस और क्या करेगी, तो करेगी एक्शन करने में। हिंदुस्तान भर के राज्यों में हम सबसे आगे हैं एक्शन करने के अंदर। घटनाएं कौन सा राज्य है देश के अंदर जहाँ घटना नहीं होती है। फिर भी क्योंकि मणिपुर को डायल्यूट करना केस को, जहाँ इन्होंने भारी ब्लंडर किया है, प्रधानमंत्री जी ने खुद ने और अमित शाह जी ने एक बार जाके आगे फॉर्मेलिटी करके, आज वहाँ 80 दिन 85 दिन हो गए हैं, मणिपुर जल रहा है। रेप की घटनाएं मुख्यमंत्री मानता 100 से अधिक हो गई होगी, 3-4 हजार FIR दर्ज हो गई। वहां पर 2 समुदाय जो उसी स्टेट के हैं, आपस में दुश्मनी पाले हुए हैं, उनके पास हथियार आ गए हैं, या तो लूट लिए हैं या पुलिस ने दे दिए हैं, लेकिन 47 भी उसके अंदर शामिल है। उस राज्य से आप कंपेयर करो राजस्थान को, छत्तीसगढ़ को, ये पूरी तरह राजनीति इसको अस्वीकार करते हैं। राहुल प्रधानमंत्री जी बोले चाहे कोई बोलो, राहुल गांधी सही बात है। वो तो एक प्रकार से कॉन्स्पिरेसी ही थी। बाल जोड़ो यात्रा जब यात्रा निकली तो हाथ पैर फूल गए बीजेपी वालों के, ये क्या हो गया, हम तो इनको बदनाम करने के लिए कामयाब हो गए थे सोशल मीडिया के माध्यम से। वो एक पर्सनलिटी होकर उभर गए देश के अंदर, ये कैसे बर्दाश्त करते बीजेपी के लोग। उन्होंने षड्यंत्र करके जो केस 1 साल पुराना था उन्होंने रुकवा रखा था हाईकोर्ट के अंदर, चालू करवा दिया उन बाबर केस को, चालू करवा के फिर सजा ठुकवा दी 2 साल की। पूरी हिंदुस्तान के इतिहास में कभी भी 2 साल की सजा किसी भी डीजेपी केस में नहीं हुई है, कभी सुप्रीम कोर्ट ने बात कही है ना। उन्होंने कारण बताया क्या कारण से 2 साल की सजा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी जो है मैं समझता हूँ वो सफिशियंट है पूरे देशवासियों को संदेश देने के लिए, ये किस स्तर के लोग हैं। इसलिए मैं बार बार कहता, लोकतंत्र खतरे में है, संविधान की धज्जियां उड़ रही है, देशवासियों प्रदेशवासियों को इन बातों को विश्लेषण करना चाहिए। मैं बार बार कहता हूँ, आज नहीं तो कल भुगतना पड़ेगा, हम सबको भुगतना पड़ेगा। ईडी, इनकम टैक्स, CBI अलग जो तांडव मचाए हुए हैं, अब धीरे धीरे वो भी समझ गए हैं सच्चाई के साथ दो।